नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देजापाल में। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ के एक बेहतरीन एक्टर नेथिन की मूवी आई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैंने इसको देख लिया है ओरिजिनल लैंग्वेज में। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी वो हिंदी में नहीं आई है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं इसकी स्टोरी, इसकी मूवी, सब कुछ इसमें कैसा लगा मुझे। तो उससे पहले दोस्तों आपको वीडियो शुरू करना है, मैं तो उससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें एक अभी नाम का लड़का है जो बचपन से ही यानी कि एक्टर बनना चाहता था और वो कोशिश करता रहता, हर फिल्म में उसको एज अ बैकग्राउंड जूनियर एक्टर में लिया जाता था, लेकिन उसे कभी भी कोई मेन रोल नहीं मिला। इसकी वजह से उसके डैड यानी कि पिताजी उसे कोसते रहते हैं, उसकी माँ उसका साथ देती है कहीं ना कहीं, तो क्योंकि एक बॉन्डिंग बनी रहती है। अब ट्विस्ट जब आता है, एक उसे डायरेक्टर मिलता है, वो उसे एक स्क्रिप्ट देता है और कहता है कि ये कहानी तुम्हारे लिए है और तुम्हें एक ही गैंगस्टर पुलिस वाले का रोल करना है। अब वहाँ से उसकी जो कहानी है, फिल्म तो शुरू नहीं होती है उसकी, लेकिन उसकी जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से उसके साथ कुछ ऐसा होने लगता है जो आपको फिल्म में देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मूवी वहीं से अपना टर्न लेती है और मज़ा आने लगता है। इससे पहले जो भी बिल्डअप किया गया था स्टोरी का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोर करता है, लेकिन और ये कहानी जो कि है कोई बता रहा है, अब भी कौन बता रहा है जो कि आप लोगों मूवी में देख सकते हो, मैं पूरा सब कुछ नहीं बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये मूवी आपको एक जोड़े रखती है कि आगे क्या होने वाला है, और एक ऐसा करेक्टर है जो मतलब बहुत कुछ करता है सिर्फ एक्टिंग के दम पर। अब आगे क्या होने वाला है, क्या इसमें एक्टर जो है वो एक्टिंग करते करते या कुछ हो जाएगा उसे, या वो कुछ ज़्यादा लेवल आगे कर देगा काम, तो वो सिर्फ मूवी में देखकर पता लग सकता है। तो आप लोगों को देखना ज़रूरी है। अगर हिंदी का वेट कर रहे हो तो करते रहिए, कुछ दिन और आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। और मैंने इसको देख लिया तो ओरिजिनल लैंग्वेज में, तो मुझे कम ज़्यादा समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा बहुत ही आया, तो उसके बारे में थोड़ा इसलिए मैं आपको कहानी पूरी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि समझ रहे हो कि ना, सबटाइटल के ज़रिए मैंने देखा है। तो मूवी मुझे तो अच्छी लगी, हिंदी में आएगी तो मैं फिर से देखूंगा, और इसलिए मैं मूवी को 5 में से 2.5 स्टार देता हूं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म होनी चाहिए थी जैसा कि नाम में दिखाया गया है वो नहीं है उसके अंदर, ठीक है। एक्शन कोई ज़्यादा खास नहीं है, और ऐसे ही कैजुअल एक्शन है जो नॉर्मल फिल्मों में होता है, जो कि आपको यानी कि बोर भी नहीं करेगा और आपको जोड़ने में भी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं देगा, वाह वाला सीन तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसलिए मैंने इसको 2.5 स्टार दिए। आप लोग बस इतना ही कहूँगा कि भाई हिंदी का वेट कर लो, हिंदी में ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी जो है आप लोग अगर हिंदी के तो समझ में नहीं आने वाला है। और इसकी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो जैसा कि मैं खुद उसको सबटाइटल को पढ़ के पकड़ रहा था तो मुझे अच्छा तो लगा, बट फील नहीं हुआ, क्योंकि समझ सकते हो आप हिंदी के साथ जब वो जोड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बेटर। तो लैंग्वेज के हिसाब से इसके बारे में बात बाद में करेंगे। वीएफएक्स का उपयोग ज़्यादा किया नहीं गया है, एक नॉर्मल सी मूवी है, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चलने वाली है, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, तो आप लोग यूट्यूब पर भी कुछ समय बाद इसको देख सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ी फिल्म नहीं, इसलिए इसको हिंदी में रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि ये सिर्फ तेलुगु तमिल के लोगों के लिए है जो कि हर फिल्म को देखना चाहते हैं बस। तो चलता हूँ दोस्तों इतना ही वीडियो में, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। आप लोग कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।